वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि घर पे इडली बच जाती है खाने के बाद, तो बचे हुए इडली को कोई भी खाना नहीं चाहता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में डाल के थोड़ा सा इडली छोटे छोटे टुकड़ों में या बड़े टुकड़ों में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे उस हिसाब से आप इसे इडली को कट कर लीजिए। और फिर इसमें आप थोड़ा सा इसे और टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से सेक लीजिए और फिर आप इसे सर्व कीजिए, तो सभी इस इडली को खा लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये इडली बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे गर्मा गर्म हल्का सा सेक कर जब भी आप इसे सर्व करना चाहें तभी आप इसे कट करके सेक लीजिए और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर इडली वाली चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट में ही ये सेक कर तैयार हो जाता है। तो जब भी घर पे इडली बच जाए तो आप इस तरह से सेक कर सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सारे इडली, बचे हुए सारे इडली आपके ख़त्म हो जाएंगे। खिले खिले माइक्रोनी पास्ता बनाने के लिए आपको माइक्रोनी पास्ता को उबालने के बाद बगल में ठंडा पानी रखना है और जैसे ही माइक्रोनी पास्ता उबल जाए उसे छन्नी से निकाल कर तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दीजिए, ताकि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी ना चिपके और खिले खिले माइक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हो। तो जब भी माइक्रोनी बनाए तो इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। टेस्टी दही भल्ले बनाने के लिए आपको दही भल्ले को बनाकर, जब आप दही भल्ले को फ्राई करके पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद जब दही भल्ले अच्छे से फूल जाते हैं तो उसे निकाल कर आप छान कर रख लीजिए और जब भी आप इसे सर्व करें तब उसके ऊपर से दही को ऊपर से डालें, तो ये दही भल्ले बहुत ही टेस्टी लगेंगे और दही ज़्यादा लगेगा। कम दही में आप अधिक दही का मज़ा ले सकते हैं। तो दही में दही भल्ले को डाल कर ना रखें, नहीं तो बाद में इसमें स्मेल आने लगता है और दूसरे दिन खाने के लायक ही नहीं बचता। तो जब भी दही भल्ले बनाएं तो इसे आप पानी में ही रखें और उसके बाद सर्व करते समय दही ऊपर से डालें। घर पर पॉपकॉर्न बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नमक के साथ साथ थोड़ा सा 1 चुटकी अगर मीठा सोडा डाल देते हैं तो पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छा खिला खिला फूलता है और बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। और ये आप 2-3 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। नारियल अच्छे से निकालने के लिए आप इसे फ्लेम पर पका लीजिए, थोड़े देर के लिए आप रख दीजिए, तो नारियल बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गोल नारियल निकल जाएगा। तो बिना मेहनत के आप नारियल को आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह गर्म करके, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर आपको हल्का सा इसे गर्म करना है और नारियल अपने आप ही छूट कर निकल जाएगा। मटर मशरूम बनाते समय अगर आप इसमें थोड़ा सा आप इसमें मूंगफली दाने पीसकर डालेंगे तो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनेगी और टेस्टी भी बन जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट की जैसे आपकी ग्रेवी तैयार होगी मटर मशरूम की। और घर पर ही आप रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं यदि आप थोड़ा सा थिकनेस का ध्यान रखें तो। घर पर मशरूम मंचूरियन बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, यदि आप इसे मैदे में फ्राई करते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। और अगर आप मशरूम मंचूरियन को क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो चावल के पाउडर में आप इसे फ्राई कीजिए तो ये क्रिस्पी बनेगा। अगर आप इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो मैदे के घोल में फ्राई करें तो मशरूम मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देख लीजिए आपको क्रिस्पी बनाना है या सॉफ्ट बनाना है। क्रिस्पी बनाना है तो चावल के पाउडर में, और अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो मैदे के घोल में
मशरूम मंचूरियन को फ्राई करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों ही तरीके से मशरूम मंचूरियन आप बना सकते हैं और खाने में तो टेस्टी लगता ही है और मशरूम के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आलू का भुजिया अगर आपका खिला खिला नहीं बनता है तो इसका एक ही ट्रिक है कि जब आप कढ़ाई में तेल और जीरा डालते हैं तो उसे अच्छे से पकने दें और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब आप आलू को जब आपको धोते हैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा 3-4-5 पानी से अच्छे से धोना है, बिल्कुल साफ पानी निकलना चाहिए। और उसके बाद कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, आलू छान कर रखें, जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप भुजिया को डालें तो बहुत ही खिला खिला और भुजिया बनकर तैयार होगा। आपको आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कोई भी भुजिया टूटा हुआ नहीं है। कढ़ी बनाने के लिए दही के साथ बेसन को भी अगर आप ग्राइंडर में एक बार पीस लेते हैं, एक बार मिक्स करके चला लेते हैं तो ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दही ना तो फटती है और ना ही आपको इसमें दिखाई देगी फटी फटी, और बहुत ही अच्छा इसका थिकनेस होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए आप कढ़ाई को गर्म कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से गर्म कीजिए मीडियम फ्लेम पर, और गर्म होने के बाद आप इसमें गाजर को क्रश करके डाल दीजिए। गाजर डालने के बाद आप इसे तब तक पकाइए जब तक कि इसका पूरा अच्छे से नमी न निकल जाए। अगर नमी अच्छे से निकल जाएगा तो आप 1 चम्मच घी में गाजर के हलवे को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच घी आपको डालना है और हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा कम घी में। 1 किलो गाजर है ये और इसमें सिर्फ 1 चम्मच घी डालना है। देखिए 1 चम्मच घी मैं डाल रही हूँ इसमें, 1 किलो गाजर सिर्फ 1 चम्मच घी में इसके हलवा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अच्छे से भाप निकलने के बाद आप इसमें 1 ही चम्मच घी डालिए और चीनी स्वादानुसार डालिए और बस गाजर का हलवा खाइए बनाकर। बहुत ही कम घी में टेस्टी गाजर का हलवा बन सकता है अगर आप इस तरह से बनाए तो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। खबरें पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।